नमस्कार सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बहुत ही बड़ा खुलासा जो है आज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वक्त हिसार के नगर निगम के बाहर मौजूद हूं और बाहर जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक बिल्डिंग यहां पर बनी हुई है और आप लोग जान करके हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर नगर निगम किस तरीके से पैसे वसूल रहा है। एक तो आप टैक्स भी पे कर रहे हैं, उसके अलावा आप डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर रहे हैं, यानी कि विकास शुल्क आप लोग पे कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आपने ये बिल्डिंग जो है खरीदी है, एक दुकान खरीदी है, आपने 1 लाख रुपये की दुकान खरीदी है, लेकिन ये लोग कलेक्टर रेट आपसे वसूल रहे हैं 5% के ऊपर, 5% के ऊपर, यानी कि आपको 5,000 देने पड़ेंगे, जबकि आपको देने चाहिए सिर्फ 1,000 रुपये, यानी कि 1% के ऊपर। क्योंकि जब ये मकान या फिर प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी तो यहाँ पर रोड के ऊपर रोड बनाने का खर्चा, सीवर डालने का खर्चा, मान लीजिए 10 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज आप इसको बेच रहे हैं, तो नगर निगम की तरफ से क्या काम किया गया है कि जब तक आप विकास शुल्क या डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भरेंगे तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी प्रॉपर्टी की। और अगर मान लीजिए मैंने 2022 चल रहा है, 2012 के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 साल पहले, तो 10 साल पहले जो कलेक्टर रेट था उसी के हिसाब से जो है डेवलपमेंट शुल्क वसूला जाना चाहिए, लेकिन ये डेवलपमेंट शुल्क जो है वसूल रहे हैं 2022 के हिसाब से। तो इस तरीके से आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है और इसके ऊपर पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर मेरे साथ अनिल महला मौजूद है, तो एक बार फिर जो है धरने के ऊपर बैठ चुके हैं। अक्सर आपने देखा होगा पहले भी कि हिसार के अंदर अकेला आदमी ऐसा था जिसने सबसे लंबे समय तक अकेले आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए नगर निगम के बाहर एक दरी बिछा करके काफ़ी लंबे समय तक धरना दिया था। हालांकि इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनको सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे की चिंता है। अनिल महला जी, मुझे ये बताइए, क्या एक बार दोबारा से धरने के ऊपर बैठ गए आप? मैडम, ये 3 घंटे का संकेतित धरना दिया है ताकि सरकार को समझ में आए जनता बहुत परेशान है। ठीक है, लगातार आरोप लग रहे हैं कि कलेक्टर रेट के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं वसूले जा रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई लीगल प्रूफ है कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है अब ज्यादा वसूले जा रहे हैं? हाँ मैडम, ये उसमें आया था ना, इनका नोटिफिकेशन है यूएलबी का, मैं दिखा देता हूँ आपके पास, इसमें मिल जाएगा। अब जो नए चार्जेस घोषित किए हैं सरकार की तरफ से उनकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, जो फिलहाल है, पहले तो जो होया करता 100 रुपए गज के हिसाब से या जो भी है इनका वो होया करता, अब उन्होंने डेवलपमेंट कलेक्टर रेट का 5% कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें ये लगता है मैडम, नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका के क्षेत्र में जो आता है ठीक है, और 5% कलेक्टर रेट का है, लेकिन कुछ आपका भाई, मतलब आपके ही सहपाठी जो आपका पत्रकार बंधु जनता में गलत भ्रम कर रहा है, 2-4 लंगूर साथ में लेकर उनसे नाच करवा कर कि 20% कर दिया, 20% कहीं नहीं है। दूसरी बात वो कह रहे हैं लाल डोरे में कर दिया, अब ग्रामीण कहाँ जाएंगे फिलहाल, गाँव के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नगर निगम के अंदर जो लाल डोरे की जमीन है उसके अंदर डेवलपमेंट चार्ज किया, ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं अपनी TRP या मतलब उछल कूद करने के लिए। ठीक है, तो आपको बता दूं कुछ न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल से भ्रांतियाँ फैला रहे हैं इसको लेकर के, जिसका खुलासा जो है आज अनिल महला यहाँ पर कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रॉपर्टी का सभी को काम पड़ता है और कहीं ऐसा ना हो कि नगर निगम आपसे ज्यादा पैसे वसूल ले और इसी भ्रांति के चलते आप लोग ज्यादा पैसे दे भी दे। तो ऐसा कौन सा सोशल मीडिया चैनल जो है हिसार के अंदर लगातार ऐसी भ्रांतियाँ फैला रहा है, कौन है ये अनिल महला जी? ये जी, मैं तो उसको पत्तल चाट कहता हूँ, बाकी जनता भी पत्तल चाट कहती है, वो बेटर समझ गया। अच्छा। आज जनता भी समझ गई कि ये कौन है। अच्छा, तो नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, वो होगी। अच्छा, बैठे बैठे काफी समय हो चुका है यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि लगातार 3 दिन का ये धरना था, ये फाइल उठा करके 3 घंटे का जो ये धरना था। मुझे ये बताइए कि सबूत दिखाइए, क्या क्या लेकर के आए हैं आज आप और कौन कौन से खुलासे जो है और भी करने वाले हैं? मैडम जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये 5% कर दिया, हमने कहा कि 1% किया जाए। और दूसरी चीज है कि जो आपने 20 साल पहले प्रॉपर्टी ली है, 20 साल पहले लिया तो डेवलपमेंट आपका वहीं सीवरेज पानी तभी आया ना, उस टाइम आपकी 2 लाख की सीवरेज लाइन डल रही है, अब 2 करोड़ की डलती है, तो हम 2 करोड़ का क्यों देंगे, हम तो 2 लाख का ही देंगे, क्योंकि अब कीमत बढ़ी है। जैसे बस स्टैंड का लगा लो 358 का था बजट, अब वो पीछे का 7 करोड़ का 8 करोड़ का बनेगा, तो मतलब घपलेबाजी है ना ये। तो ये नगर निगम वसूल रहा है या फिर सरकार की तरफ से वसूले जा रहे हैं? ऐसा है जी, सरकार की हिसाब, नगर निकाय विभाग सरकार का हिस्सा है, तो हमने कहा कि 5% की बजाय 1% किया जाए, और वो भी वो किया जाए
कि मतलब जो इसके 20 साल पहले किया था उसका 20 साल पहले का जो अब ताज़ा है उसका अब किया जाए। आज जितनी भी अब ये अवैध कॉलोनी को अवैध करने जा रहे हैं, पहले डेवलपमेंट चार्ज सभी का वसूला जाए एक साथ, उसके बाद वैध किया जाए, क्योंकि सीवरेज सुविधाएं तो सबको ही चाहिए। डेवलपमेंट चार्ज देने में कोई हैरानी नहीं है। और दूसरी चीज़ यही है, उड्डा और टाउन प्लानिंग वहाँ पे ये मतलब आदेश लागू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक मुश्त शुरू में जब कॉलोनी करती है उस टाइम वसूल लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा है कि ये विकास शुल्क नहीं है बल्कि विनाश शुल्क है। देखो विनाश ऐसा है, शुल्क तो जनता को देना ही पड़ेगा, विकास शुल्क होता है, लेकिन ये भारी मात्रा में है। हम विकास शुल्क का विरोध नहीं करने लग रहे, क्योंकि हमें सुविधा चाहिए, तो देखो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, लेकिन इसको 1% किया जाए। दूसरी बात यह है, नगर निगम, हर नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अब मड़ाई तो खाएं ये, दंड भुगते आम जनता क्यों भुगतेगी। अभी हमने 6 महीने पहले आपको दिखाया था 45 लाख रुपए का रेवन्यूशन किराया था मेयर साहब ने, क्या उनकी स्पीड बढ़ गई क्या। अभी आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं सबूतों के साथ बोलता हूँ, ये 80-80 करोड़ के काम थे, ये देखो अमृत योजना के तहत इनकी पेमेंट कर दी सीवरेज की, और उसमें यह था कि वो सड़क बनाएगा, सड़क एक भी नहीं बनी, क्योंकि कमिश्नर साहब से मिली भगत करके पैसे खा के उसको पेमेंट होगी। अब ये चीज़ है कि जो काम की है ना, निगरानी होनी चाहिए, जो भी टेंडर दे अब मतलब नगर निकाय विभाग उसकी निगरानी करे, ऊपर से किसी एजेंसी को दे भी इसकी जाँच की जाए ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। उसमें करोड़ों के वारे नारे ये कर देते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, कमाल, आपके कहने का मतलब है कि अगर शहरी क्षेत्र के अंदर एक गरीब को घर बनाना हो तो वो गरीब अब घर भी नहीं बना पाएगा। ऐसा जी, गरीब और पूंजीपति असर दोनों पे पड़ेगा, ये नहीं है कि गरीब पूंजीपति तो फिर भी भर देगा, 5% भर देगा, 1% भर देगा, लेकिन गरीब कहाँ से लाएगा, गरीब के पास तो 1% भी नहीं है। ऐसा है, देखो मर्द दोनों की है, पूंजीपति के पास भी मेहनत का पैसा है, कोई हराम का तो है को नहीं, कोई सरकारी अधिकारी तो है को नहीं, भाई रिश्वत लेके आ रहा है, कोई बात नहीं मैं पढ़ दूंगा है, या कोई ठेकेदार को नहीं, भाई अफसरों से मिली भगत, पूंजीपति व्यापारी है वो भी तो अपनी मेहनत से ही कमाता है, तो उसके भी तो लॉस है, और फिर उसकी पूंजी की लागत ज़्यादा, उसका कलेक्टर रेट ज़्यादा होगा, गरीब आदमी का कम होगा, ये चीज़ है ना। दूसरी चीज़ यह है, इन्होंने बिना CLU चेंज लैंड ऑफ यूज के, आपने मॉडल टाउन देखा है, मॉडल टाउन में आपने वो पूरा रिहायशी एरिया है, ये उसका नक्शा देखिए भाई, देख ले रही ठीक है, बिना चेंज लैंड ऑफ यूज हॉस्पिटल वगैरह बने हुए, उन पे करोड़ों रुपए का जुर्म। आप दिल्ली रोड पे जाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, उनकी पार्किंग नहीं है, उनका माल तो खा गए अधिकारी, पैसा खा गए कर्मचारी अधिकारी, और परेशान आम जनता हुई। आम जनता क्यों भी, आम जनता टैक्स क्यों भरे। मैं कहता हूं कि जो रिटायर कर्मचारी, रिटायर अधिकारी या जो वर्तमान में है, वसूली इनसे की जाए, इनकी तंखा से ले या इनकी संपत्ति कुर करो, क्योंकि इनकी वजह से ये गलत काम हुआ है। ये सारा रिहायशी एरिया आपके सामने है, नक्शा है आपको, एक और बता, ये ग्रीन बेल्ट है दिल्ली रोड की, ये दिल्ली रोड की है, ग्रीन बेल्ट को छोटा करके अवैध बिल्डिंगों को इन्होंने पैसे खा के रास्ता दे दिया। वो किस हिसाब से दे दिया भाई, क्यों पैसे खा गया, ग्रीन बेल्ट से 1 इंच भी रास्ता नहीं दे सकते आप ग्रीन बेल्ट टर्मिनल के हिसाब से, ये पक्का है। एक और बता रहे, ये तो शाम रोड आ गया, यहाँ वो मित्तल हॉस्पिटल को छोड़ गया, बाकी ग्रीन बेल्ट है, कभी देखिए आपने वहाँ ग्रीन बेल्ट, सिर्फ एक वो सद्भावना पर ये थोड़ा सा आ रही है समाज मंदिर के पास से है, बाकी कहीं भी नहीं है, ये वहाँ पैसे खा के बिल्डिंग अवैध बना दी। अब माल तो खाए अफसर, माल खाए अधिकारी कर्मचारी, और दंड भुगते जनता, पैसे खाए ये हर ठेकेदार में। मैं तो कह रहा हूँ ये टाइलें की बजाय ना अब वो CC सड़कें लगनी चाहिए, 15 साल नक्की, ये तो टाइलें उखाड़ेंगे फिर लगा देंगे, टाइलें उखाड़ेंगे फिर लगाएंगे, पैसा खाना है। अगर अधिकारियों की भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाए तो जनता पे इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है सरकार के अंदर ऐसा कौन है जिसने ये 5% कर दिया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला तो आरोप लगा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के लोगों को घर से बेघर करने की प्लानिंग कर ली है। ऐसा है जी, आरोप तो किसी पे लगा दो, देखो सत्ता पक्ष है तो सरकार का कहना ही चाहिए, वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे कोई भी हो। अब वैसे ULB अपने ये पास में कमल गुप्ता जी का, उनको इनको तो ज्ञान है ही कौन, ये तो मतलब डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेता बिल्कुल अच्छे नहीं है। डेवलपमेंट शुल्क वाला जो विभाग है किसके अंडर है, ये कमल गुप्ता जी के अंडर में है। अच्छा, शहरी एवं निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के अंडर है, और उन्हीं का घर आपको दिखा देती हूँ कुछ ही दूरी के ऊपर, 100 मीटर की दूरी के ऊपर नगर निगम से डॉक्टर कमल गुप्ता का घर है, उसके बावजूद भी इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसा जी, इनको ज्ञान को नहीं दिल्ली का भी सच्चाई है, धरातल की इनको जानकारी है, डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, इंसान बहुत बढ़िया अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजनेता और समाज के करियर के लिए 1% भी अच्छे नहीं। अच्छा ये बताइए, मंत्री बनने के बाद इनकी शक्ल देखना नसीब हुआ है?
क्या चीज मन तो पहले भी कौन देखी जी मन देखने की जरूरत ही कौन पड़े बल्कि मैं ये मना टोते आंडा है वो करना दिख तो नहीं जावे ये तो छुपते आंडा है तो अपन ने जरूरत को नहीं ऐसे नेताओं की ऐसे अधिकारियों की हमें क्या जरूरत है हम तो अकेले बैठे हैं शांत से बैठे हैं क्यों क्योंकि हमारे पास ईमानदारी है सबूतों का टोला है अब ये बोलें तो क्या बोले अब हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है मतलब मेल के माध्यम से और बी उमा शंकर को भी दिया है वी कौशल साहब को भी दिया और हमने उसको उपाय बताए हैं वो जल्द ही समाधान हो जाएगा या 1% भी कर देंगे तो कोई मतलब उसमें बुराई नहीं है विकास शुल्क जरूरी है लेकिन इतनी भारी मात्रा में गलत है जी भारी मात्रा में गलत है आम जनता डर आप ये देखो 14-1 की बात है यहाँ पे कमिश्नर साहब ने वो किसी ने पैसे दे के टैक्स कम करवाया था वो अखबार में भी पढ़ा होगा आपने उसका मैं ज्ञापन भी दे के आया था उसमें कमिश्नर साहब ने क्या कार्रवाई करी जो अधिकारी थे ना उनका पता नहीं इंक्रीमेंट रोका क्या रोका लेकिन शामिल तो कमिश्नर साहब खुद थे तो इस तरह के करोड़ों रुपए के घोटाले अगर सही जाँच की जाए ना तो इन अधिकारियों से अरबों रुपए की वसूली हो जाएगी। यानी कि साफ तौर के ऊपर नगर निगम के कमिश्नर के ऊपर आप घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। जी कमिश्नर हो चाहे चपड़ासी हो यहाँ तो सारे एक माँ के नाए हैं एक गंगा नाए हैं। एक बात बताऊं मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ लंबी छोटी बात नहीं है। नगर निगम ने 3 कर्मचारी राजगुरु मार्केट में लगाए हुए हैं ठीक है 3 कर्मचारी है बताते तो 5 है लेकिन हम 3 मानते हैं उनको 10-10, 12-12 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रखी है। उनको काम पता है क्या उनका उनका काम यह है कि बरामदों से कब्जे हटाएंगे और सड़कों से अतिक्रमण हटाएंगे ठीक है उनका काम यह है लेकिन वो वसूली करने जाते हैं जो अतिक्रमण है ना शाम को कमिश्नर साहब को पूछा देते हैं लो जी या कमाई हुई है जो अपनी ड्यूटी से इससे बढ़िया उदाहरण क्या दूंगा मैडम आप उनसे पूछो आप वो यही बताएंगे हमने 3 आदमियों की ड्यूटी लगा रखी है आप राजगुरु मार्केट में जाइए सड़क पे भी अतिक्रमण है बरामदों में भी है तो फिर वो काम करते हैं वसूल लेगा शाम को अपना कमिश्नर साहब को बैठने वाले जी यो माल आया ठीक है भाई तुम अपना रख लो अब वो रख लो। अच्छा आप क्या कहोगे कि विकास शुल्क जो है 1% से 5% कर दिया गया है किस तरीके से लोगों की जेब ढीली की जा रही है। मैडम जी विकास शुल्क किसके ऊपर है ये मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। विकास डेवलपमेंट टैक्स ये प्रॉपर्टी के ऊपर आप बताइए मुझे आपको क्या लगता है कितना वसूला जा रहा है। 5% वसूला जा रहा है जी और पहले कुछ टाइम पहले 100 रुपये या नाम मात्र था नाम 100 रुपये और अब ये बढ़ा दिया। इसके बारे में कोई पब्लिक को कितना ज्ञान नहीं है कोई नहीं कहता और कितना ही लगा दो कुछ नहीं उन्हें पता ही नहीं ज्ञान ही नहीं है और जिसका लगा है ना उसको ज्ञान होता है वो देखे ना भाई चलो अपना काम काटो और लफड़े में पड़ते नहीं कोई भी जी ये है जी नहीं डेवलपमेंट चार्ज यही नहीं है हर डिपार्टमेंट होता है बिजली बोर्ड में होता है जैसे अवैध कॉलोनी में आप खंभा लगवाओगे ना तो 25 रुपये गज के हिसाब से लेते हैं तो इसमें कोई शर्म नहीं हम विकास शुल्क का विरोध करते ही नहीं हम तो कहते हैं जो भारी मात्रा में बढ़ोतरी करी है और इनका भ्रष्टाचार है ना उन पे रोक लगाई जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। अब माल तो ये खा जाते हैं भुगते जनता बात तो ये हो रही है ना बात ये ठीक है 1% तो देखो हमारी सिवरेज अब कई अवैध कॉलोनी है शहर में उसमें अधिकारियों ने काम करवा दिया। सबसे बड़ा उदाहरण विकास नगर की सड़क बनी हुई है अवैध कॉलोनी में ये 1 रुपये 1 पैसे का काम नहीं करा सकते तो इन कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी मिली भगत से वो काम करा दिया। वो पैसा किसका गया जनता का मौज किसकी हुई अधिकारियों की उन अवैध की हुई तो वहाँ पर रोक लगे ना मतलब जब आम जनता को बोलना पड़ेगा नहीं तो जनता ऐसी ही पिसती रहेगी। तो आपको लगता है कि आपके धरने का असर नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर होगा क्योंकि लगातार आप पहले भी देते रहे हैं। ऐसा जी असर तो बहुत पड़ता है ऐसी बात नहीं असर आप थोड़े दिनों में देखना उसमें भी डेवलपमेंट चार्ज में भी फेरबदल होगा जल्दी होगा और मैंने ऊपर मेल भी करी है और हमने सुझाव भी दिया है। जनता का फर्ज बनता है कि सुझाव असल में जनता डरती है अधिकारियों से हमारे साथ इसलिए नहीं आते बोला यार अभी आता है एक बंदा वो बोला यार तुमने वीडियो बना ली ये वो था वीडियो बना ली कहीं मेरा काम तो नहीं रुक जाएगा ये हालात है लोगों को डरा रखा है लोग डर रखे हैं ना ट्रांसफर नहीं वो वैसे ही वो नक्शा पास नोला मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ तो भी नहीं हो रही ये ले आओ बोला इनको माल खाना है बिल्डिंग ब्रांच के मतलब यहाँ से चपरासी से ले कमिश्नर सब एक गंगा नहाए हैं गंगा में स्नान करते हैं पवित्र हो जाते हैं माल पीते हैं पूरा। तो आपको बता दूं कि लगातार अनिल महिला जो है नगर निगम के कमिश्नर कर्मचारी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे
जो है हरियाणा सरकार लगातार विकास शुल्क के नाम के ऊपर पैसे वसूल रही है। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली है 1 लाख रुपए की, अब आपको 5% जो है विकास शुल्क देना होगा, यानी कि 5,000 रुपए, जो पहले जो है सिर्फ 1,000 रुपए लिया जाता था, और वो भी अगर आपकी सड़क नहीं बनी है गली की तो भी आपको देना होगा, अगर आपकी सड़क बनी है तो भी आपको देना होगा। तो आपको क्या लगता है कि अनिल महला के इस 3 घंटे के सांकेतिक धरने का असर जो है अब इस विकास शुल्क के ऊपर कितना पड़ेगा, और क्या नगर निगम के कमिश्नर जो है आकर के अनिल महला से मिलेंगे और दोबारा से विकास शुल्क के अंदर फेरबदल की जाएगी? क्योंकि विपक्ष भी लगातार हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को घेरता हुआ दिखाई दे रहा, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा हो। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से खबरें दिखाते रहेंगे, तब तक आप इस विकास शुल्क या फिर विनाश शुल्क से बच करके रहिए। नमस्कार।